अंध कुटुंबियांना अन्नधान्य तसेच साडी चोळी आणि कपडे भेट देऊन मारवाडी समाजातील महिलांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासली. अधिक मासानिमित्त हा सुत्य उपक्रम राबवण्यात आला. मारवाडी समाजात अधिक मास महिना महत्वाचा मानला जातो. समाजाला काही देणं लागत या उद्देशाने सामाजिक कार्यकर्त्या नीता दागडिया आणि संध्या छप्परवाल यांच्या पुढाकारातून समाजात महिलांनी एकत्रित येत शहरातील उपजीविकेचे साधन नसलेल्या अंध कुटुंबियांना जीवनावश्यक वस्तूसह साडी चोळी कपडे भेट स्वरूपात देऊन त्यांची मदत केली. 25 कुटुंबियांना मदत करण्यात आली. यावेळी कलावती काकानी, रचना काबरा, किरण लाहोटी, कंचन मंत्री, कीर्ती सारडा, प्रभा सारडा, अंजू वर्मा, सारिका मुंदडा, दीपा मालीवाल, सरोज मालपाणी, सावित्री संगी, ममता कर्वा आदी उपस्थित होत्या. या मदतीने अंध कुटुंबीय भारावून गेले होते. त्यांच्या या सामाजिक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. यहां पर पूरी मारवाड़ी समाज की महिलाएं आई है. काकाणी परिवार विशेष यहां पर आया हुआ है और नीता दागड़िया जी के घर में ही ये कार्यक्रम हो रहा है. सभी ने किराना सामान अंध लोगों को तेरा नगर के जो उनको रोज की लगता है किराना वो सभी किराना दिया है. उसके साथ उन्हीं को सबको नाश्ता और काकाणी परिवार ने साड़ियाँ, ओटी का सामान और अनेक बहनों ने यहाँ पर किराना जो घर में लगता है साबुन, शक्कर, पोहा, हर एक ने अपने अपने जिस तरह दान देना चाहिए उस तरह ये ब्लाइंड लोगों को दान दिया है. और इसी तरह हमारा पूरा मारवाड़ी समाज हर कार्य में आगे रहता है. हम सब ममता करवाई, ये सब जन सखिए मिल के अधिक मास का प्रोग्राम कर रहे हैं. इसमें सब जन आप अपने ओर से जो हो सकता है वो दे रहे हैं. इसमें कलावती काका ने साड़ी और वट्टी का सामान दे रहे हैं. आप अपने सबसे पोहे, किसी ने उपमा रवा, शक्कर, घर गृहस्थी का सब सामान दे रहे हैं. और ये सब में सहभाग करने वाले मेन बोल तो नीता दागड़िया है और उनके यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है सब जन अधिक मास के निमित्त दान धर्म के लिए. पहले प्रथम मी दागड़िया मैडम यांचं अभिनंदन करतो की यांनी एवढा सुरेख कार्यक्रम घडून आणला की मला वाटलं देखील नाही की कसा होईल कार्यक्रम हे काळजी लागली होती. परंतु मॅडमनं थोडं देखील आम्हाला हे करू दिलं नाही. डायरेक्ट आम्हाला न्यायला गाडी आली होती आणि जी इथं आम्हाला साहित्य वाटप केलं त्या संध्या मॅडम, कलावती मॅडम, बरेचसे लोक इथं, मालेवाड मॅडम, आज आम्हाला बऱ्याच साहित्याचं जे घरगुती साहित्य आम्हाला लागते ते वाटप केलं